तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ दर पे हाजिर ये तेरा गुनहगार है तो जुर्मो इसे अपने लजाता बहाता हुआ जुर्म इसिया पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ दर पे हाजिर ये तेरा गुनहगार है जुर्मों में। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मायसेल्फ मोहम्मद एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। अभी हम जाएंगे रोजा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, हमारा सलाम अर्ज करेंगे एंड देन विल प्रे इन मस्जिद अल नबवी, जो हम असर की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करेंगे। सो अभी हम साउथ सेंट्रल एरिया में है मस्जिद अल नबवी के एंड हम अभी मस्जिद अल नबवी जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज है फ्राइडे, तो इंशाल्लाह शाम को भी हम मस्जिद अल नबवी में ही मगरिब असर की नमाज दोनों नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं, पहले हमारा सलाम अर्ज करते हैं। और जो अभी हम सलाम अर्ज करने जाते हैं उसके जो बेसिक्स है, जो आदाब है कि हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाजिरी कैसे दी जाती है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हम मस्जिद अल नबवी के सहन में ही, और सामने ही बस हम अभी मस्जिद अल नबवी में एंटर हो जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं गेट नंबर 320 पर, बस यहीं से एंट्री करते हैं। और अभी हमारा वजू तो है बट फ्रेश वजू बनाते हैं और चलते हैं रोजा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ। परफचे उड़ चुके हैं जोरे तूफान से, संभालो लो मैं भी डूबा है मेरी जान, या रसूल अल्लाह नसीबे तैबा से कह दो दिले मुझकर को झुका दे, बने शामे अलम अलम सुबह बहारा, या रसूल अल्लाह अलमदद है मेरे रहनुमा, अलमदद अलमदद है मेरे रहनुमा, अलमदद अलमदद है मेरे रहनुमा, अलमदद। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सामने हमें माशाअल्लाह सब गुंबद भी नजर आ रहा है, माशाअल्लाह घूम करके आपको दिखाता हूँ मैं। सामने जो आप गेट देख रहे हैं गेट वन बाबू सलाम, बस वही है एंट्री टू गो टू दी गोल्डन ग्रिल ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो चलिए वहीं चलते हैं। जो हमारे उलमा फरमा कर गए हैं कि जब भी आप रोजा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जाओ तो ये वाला शेर पढ़ो जो की है, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊं कहे गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। तो बस अभी थोड़ा ही दूर है, माशाल्लाह आपको मैं प्यारा सब्ज गुंबद भी दिखाता हूँ। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूजियम ऑफ द प्रॉफेट बायोग्राफी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो गेट नंबर 306 पर लोकेटेड है, तो भी इंशाल्लाह हम अपकमिंग व्लॉग में कवर करेंगे। बड़ा ही प्यारा म्यूजियम है और बहुत सारी इस्लामिक हिस्ट्री के जितने भी सारे चीज़ें हैं वो इसी म्यूजियम में है, तो इंशाल्लाह हम इसको भी कवर करेंगे। और ये म्यूजियम के बाजू में ही है इमरजेंसी हेल्थ सेंटर, जो लोग उमरा करने आते हैं और उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, सो दे कैन कम हियर जस्ट एग्जैक्ट टू द गेट नंबर 304। अभी हम माशाल्लाह सब गुंबद के एग्जैक्ट पीछे खड़े, ऑब्वियसली हम पेक तो नहीं कर सकते बट हम आ चुके हैं। और अभी चलते हैं नीचे अंडरग्राउंड में वजू करते हैं और फिर वापस ऊपर आते हैं और स्ट्रेट अंदर चलते हैं।
तो अभी हमने कर लिया है वजू, हम हो चुके हैं फ्रेश एंड अभी हम ऊपर जा रहे हैं। खुदा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जाने के लिए आपको यहीं पर आना है। सामने जो आप एंट्री पॉइंट देख रहे हैं सब यहीं से एंटर हो रहे हैं, तो आपको यहीं पर आना है फॉर जेंट्स। अभी हम एंटर हो चुके हैं जो कि मेन लाइन है टूवर्ड्स द रोजा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एंड ये रहा सब गुंबद, माशाल्लाह क्या ही खूब नजारा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और अभी हमने इसमें हमारे चप्पल डाल दिया है और चलिए चलते हैं अंदर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाहर से ही ठंडी ठंडी हवा आना चालू हो जाती है। जैसे ही हम नमाज में खड़े होते हैं क़याम में, बस वैसे ही हम हाथ बांध कर चलेंगे इंशाल्लाह अंदर। इस कैफियत के साथ जाएं कि हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान, करीमों के दर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान, करीमों के दर की है। तुझसे छुपाऊं तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। सरकार हम कमीनों के अतवार पर ना ना जाए, आका हुजूर अपने कर्म पर नजर करें। एक भी कारी है खड़ा رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر حمم مغرق انني في بحر حمم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقالنا कि अभी आपने देखा कि हमने सलाम अर्ज कर दिया है और अभी हम चलते हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, जमजम पीते हैं और चलते हैं अंदर। और सब्ज गुम्बद का बेस्ट व्यू आता है गेट नंबर 369 से, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर सबसे बेस्ट एंड स्ट्रेट व्यू चाहिए आपको तो आपको गेट नंबर 369 पर आना पड़ेगा। सो ये है गेट नंबर 369 जैसा कि आप देख सकते हैं एंड अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। एंड ये पूरा कोर्टयार्ड है मस्जिद नबी शरीफ का एंड जस्ट आप व्यू देखिए, सब गुम्बद का स्ट्रेट व्यू आता है इधर से माशाल्लाह। और मीनारे भी बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, रात को इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू आता है जब मीनारे की लाइट्स चालू होती है और यहाँ पर वसनी बहुत होती है। वो तो खैर अभी भी है लेकिन रात का मज़ा ही कुछ और है। सो अभी हम चल रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो जो जैसे भी मुराद रख रहा है वो रज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जाकर दुआ मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इसकी दुआ कबूल हो जाएगी, बिकॉज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुआ कबूल होती है। और जैसे कि 70,000 फरिश्ते हर वक्त वहीं पर होते हैं, तो आप दुआ करिए, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। कोई सच्चा की सौगात है ना कोई, अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबी के अंदर, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक और नवायत सुन्नतुल इतिकाफ। चलिए सबसे पहले तो जमजम पीते हैं, बहुत प्यास लग रही है और बाहर का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा है धूप का, तो चलिए जमजम पी लेते हैं पहले। अल्लाह
तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं जहाँ पर अंदर में सारी छतरी लगी हुई है, वहीं से बहुत ही प्यारा व्यू आता है अंदर से सुनहरी जाली का और सब्ज गुम्बद का। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई मस्जिद नबी में आ रहा है तो ये प्लेस पे जरूर आइएगा। देखिए सामने कितना ही प्यारा माशाल्लाह सब्ज गुम्बद का व्यू है। तो इमाम मालिक ने फरमाया कि नबी पाक से तुम क्यों कर मुंह फेर सकते हो, प्यारे आका अलैहिस्सलाम तो बरोज़े कयामत अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे और तुम्हारे वालिदे गिरामी और हजरत सैयदना आदम सफीउल्लाह अला नबीना वालिस्सलाम के लिए भी वसीला हैं। तुम नबी रहमत की ही तरफ मुंह करके शफाअत की भीख मांगो, अल्लाह अपने हबीब की शफाअत जरूर कबूल फरमाएगा। सो अभी हम वापस आ चुके हैं मस्जिद नबी शरीफ के बाहर और अभी 4 बज रहे और अभी मैं आपको बताता हूँ इवनिंग में यहाँ कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा है और यहाँ पर हमारे इंडोनेशियन ब्रदर्स भी फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया कुछ इंटरेस्टिंग शूट कर रहे हैं। सो मस्जिद नबी के गेट नंबर 21 जो कि हमारे पीछे है उसके सामने एग्जिट स्ट्रेट ही उहद पहाड़ दिखता है, मैं आपको भी बताता हूँ। सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं माशाल्लाह वही उहद पहाड़ है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, गेट नंबर 21 के एग्जैक्ट सामने और यहीं पर हमारे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक है जहाँ पर वो आराम फरमा रहे हैं और वहीं पर बस उहद पहाड़ और सैयद शहादा की मस्जिद भी लोकेटेड है। इंशाल्लाह उसको भी हम इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में कवर करेंगे। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर, चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर, हाय सर पर गुनाहों का। And this is the main entrance, not main but yes, the another entrance to the Prophet's Mosque. बहुत ही प्यारा मीनार आप देख सकते हैं, 2 minarets are looking very beautiful. And this is the Hilton Hotel, one of the most expensive hotels in the whole city of Medina Al Munawwara. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مدينة 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 النبي مدينة مدينة that's where I wanna be.